हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.1 पे और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए पैराशूटिस्ट इज डिक्रीजिंग वर्टिकली एंड मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एट टू ऑब्जर्विंग पॉइंट्स 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिमसेल्फ। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम which he fall and the distance of the point where he fall on the ground from the just observation point। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक पैराशूटिस्ट है इज डिक्रीजिंग वर्टिकली। अच्छा, वर्टिकली वो डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे मतलब पैराशूट से वो नीचे उतर रहा है तो ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का एंगल मेक करता है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पैराशूटिस्ट है, ठीक है, और ये हम लोग, ये कहाँ से है, हम लोग ग्राउंड लेवल से इसको ले लेते हैं, ये एच हाइट पे है, ठीक है, या एक्स हाइट पे है, जो भी है एक्स मान लेते हैं। चलिए इसे ले लेते हैं, यहाँ पर इस पे दो पॉइंट ले लेते हैं, क्या ना जी, जो 100 मीटर अपार्ट है फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ देमसेल्फ। अच्छा देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट ले लेते हैं, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से 100 मीटर अपार्ट है, ठीक है। इस ए और बी पॉइंट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है इस पैराशूटिस्ट का, तो वो कितना कितना डिग्री हो रहा है, तो एक 45 डिग्री एंड एक 60 डिग्री, दो पॉइंट से, यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सी और यहाँ ले लेते हैं डी। इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ वाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कि लेट लेट क्या है जी, ये सी डी है ना जी, सी डी विद हाइट ऑफ हाइट ऑफ हाइट एच ले लेते हैं, हाइट एच ने लिया हमने ऑफ द पैराशूटिस्ट पैराशूटिस्ट एंड मेक्स एन एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। लेट वाई बी द डिस्टेंस वाई बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट point of the point where he falls on the ground from the just observation point, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं, चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ पे हम लोग टेन थीटा ही लगाने वाले हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी कि टेन 60 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर सी डी बाई में बी सी, ये आपका है रूट थ्री, सी डी है आपका एक्स और ये है आपका वाई। तो यहाँ से देखिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू में रूट थ्री वाई, इक्वेशन एज ए फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें लगा देंगे टेन 45, सी डी और वाई में यहाँ पर हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ टेन 45 का वैल्यू 1 होगा, इक्वल टू में एक्स और वाई में 100 प्लस का वाई, यानी कि यहाँ से अब ये हो जाएगा, तो यहाँ का मल्टीप्लाई करेगा 100 प्लस वाई जो होगा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट एंड सेकेंड. क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा रूट थ्री वाई इक्वल टू ना हो जाएगा 100 प्लस का वाई. इसलिए हम इसको इधर लेके आते हैं, रूट थ्री वाई माइनस का वाई इक्वल टू में यहाँ पे 100. चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ से वाई कॉमन कर लेते हैं, रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू में 100. तो वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा 100 वाई में रूट थ्री माइनस का वन. ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर हम लोग इसके डिनोमिनेटर को स्ट्रक करेंगे, रूट थ्री प्लस वन से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई और नीचे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई. वाई इक्वल टू में हो जाएगा 100 इंटू में रूट थ्री प्लस वन, वाई में यहाँ हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस का वन का स्क्वायर. चलिए अब इसके बाद देखिए वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 100 इंटू में रूट थ्री प्लस का वन और वाई में ये थ्री माइनस का वन. तो यहाँ से वाई इक्वल टू में हो जाएगा 100 इंटू में रूट थ्री प्लस का वन और वाई में टू. यहाँ देखिए ये 50 आ जाएगा. चलिए y इक्वल टू में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 50 और इंटू में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका रूट थ्री का वैल्यू 1.732 इतना कर लेते हैं और प्लस का ये 1, यानी कि आ जाएगा y इक्वल टू में 50 इंटू में 2.732 मल्टीप्लाई कर देते. चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर 136.6. अच्छा अब इसके बाद देखिए ऊपर ऊपर x इक्वल टू में क्या था रूट थ्री वाई 1.732 और इंटू में y के वैल्यू 136.6. तो क्या हो जाएगा 136.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1.732 से, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 236.5912, यानी कि यह आ जाएगा 236.6 ये आ जाएगा x का वैल्यू. अब इसके बाद देखिए तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि hence the maximum height of कौन है पैरासूटिस्ट भी कितना 236.6 meter and the distance कहाँ से जी and the distance of the point from which he fall on the ground from the just observation point वो क्या हो रहा है 136.6 meter. समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.